गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास वन में इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर टू। तो बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में अल्फाबेट्स के बारे में पढ़े, तो हम एक चैप्टर टू में आज हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड का मतलब क्या है? शब्द। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि लेटर भाषा के सबसे छोटे इकाई होते हैं और उनकी संख्या सीमित, जैसे अंग्रेजी भाषा में 26 होते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों की संख्या असीमित होती है। जिन अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, उस शब्द का कोई अर्थ आवश्यक होना चाहिए, अन्यथा वह निरर्थक अक्षर समूह होगा। या सार्थक अक्षर समूह एक अक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक का हो सकता है। तो देखिए, हम लोग आगे बोर्ड में देखेंगे कौन सा निरर्थक अक्षर समूह है। तो निरर्थक अक्षर समूह ए बी सी, यू ए आर, पी एम, तो ये तीनों हम लोग देख रहे हैं, एक क्या हो गया? निरर्थक अक्षर समूह। और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे सार्थक अक्षर समूह। तो कौन कौन से हैं सार्थक अक्षर समूह? बच्चे, आप लोग ध्यान से बोर्ड में देखेंगे सी ए टी, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? कैट। नेक्स्ट आर ए टी, रैट। P A डबल R O T, पैरेट। तो आगे कुछ अक्षरों से समूह दिए गए हैं। ये अक्षर समूह दो अक्षरों से लेकर छह अक्षरों तक दिए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक समझिए। तो हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे A में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दो अक्षरों के समूह हम लोग अभी देखेंगे, निरर्थक सार्थक और उसका अर्थ देखेंगे हम लोग। तो निरर्थक में हम लोग देखेंगे कौन है, क्या क्या शब्द है। एक्स ओ, उसका सार्थक शब्द है ओ एक्स, तो उसका उच्चारण होता है ऑक्स, मतलब बैल, निरर्थक शब्द। एफ ओ, उसका सार्थक होगा ओ एफ ऑफ, मतलब का। नेक्स्ट एस आई, उसका सार्थक होगा आई एस इस, मतलब है। नेक्स्ट टी ए, उसका सार्थक शब्द है ए टी अट, मतलब पर। बी, तीन अक्षरों के समूह, तो निरर्थक सार्थक और अर्थ देखेंगे। ओ वाई बी, सार्थक बी ओ वाई बॉय, मतलब लड़का। यू पी सी, सी यू पी कप, मतलब प्याला। बी टी यू, टी यू बी टब, मतलब टब। टी ए सी, सी ए टी कैट, मतलब बिल्ली। ए टी आर, आर ए टी रैट, मतलब चूहा। ए बी टी, बी ए टी बैट, मतलब बल्ला। एन ए एम, एम ए एन मैन, मतलब आदमी। नेक्स्ट हम लोग सी में देखेंगे चार अक्षरों के समूह।
तो एक चार अक्षर कम कम से हैं, तो ये भी है निरर्थक। निरर्थक मतलब क्या है, उसका मतलब नहीं होता है। तो इन निरर्थक शब्दों का आप ध्यान से देखिए, तो इन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है। और सार्थक में देखिए, ये शब्द बनाया हुआ है जिसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ बगल में दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे। O R W T, W O R D, word मतलब शब्द। Double O K B, B double O K, book मतलब किताब। A O G T, G O A T, goat मतलब बकरी। G N O L, L O N G, long मतलब लंबा। M E N A, N A M E, name मतलब नाम। O F U R, F O U R, four मतलब चार। बच्चों आगे हम लोग देखेंगे डी। डी में पांच अक्षरों के समूह, तो इसका निरर्थक, सार्थक और अर्थ दिया हुआ है। तो हम आगे बताएं आप लोगों को, निरर्थक में शब्द दिया हुआ है, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर सार्थक है जिसका अर्थ होता है। तो हम लोग देखेंगे जी एच टी आई आर, R I G H T, right मतलब दाहिना। E L O W B, B E L O W, below मतलब नीचे। A T P E L, P L A T E, plate मतलब तश्तरी। M O M L E, L E M O N, lemon मतलब नींबू। T I H G N, N I G H T, night मतलब रात। Double R O W A, A double R O W, arrow मतलब तीर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे E में छह अक्षरों के समूह, उसका निरर्थक, सार्थक और अर्थ। तो निरर्थक में हम लोग देखेंगे double R O C T A, C A double R O T, carrot मतलब गाजर। N G E A R O, O R A N G E, orange मतलब नारंगी। A T M double O T, T O M A T O, tomato मतलब टमाटर। T H F E A R, F A T H E R, father मतलब पिता। T S I R E S, S I S T E R, sister मतलब बहन। छह से अधिक अक्षरों के समूह, तो हम लोग अभी देखेंगे छह से अधिक अक्षर कौन कौन से हैं, निरर्थक, सार्थक और अर्थ में देखेंगे। निरर्थक शब्द R H E R B O T, उसका सार्थक होगा B R O T H E R, brother मतलब भाई। निरर्थक शब्द E N S T E C E N, उसका सार्थक S E N T E N C E, sentence मतलब वाक्य। इस प्रकार क
कई अक्षरों से मिले हुए शब्दों में आए हुए अक्षरों को स्पेलिंग यानी वर्तनी कहते हैं। इन स्पेलिंग्स का सही प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा शब्द का अर्थ सही नहीं निकलता और कभी कभी तो अर्थ का अन्य अर्थ भी हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे शब्द है GOD, गॉड मतलब ईश्वर, और इस शब्द को जब हम उल्टा लिखते हैं DOG तो अलग प्रोनाउंस होता है डॉग, उसका अर्थ है कुत्ता। तो बच्चों हम लोग इस लेसन में दो अक्षरों के समूह, तीन अक्षरों के समूह, चार अक्षरों के समूह, पांच अक्षरों के समूह, छह अक्षरों के समूह और छह से अधिक अक्षरों के समूह को भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इन सारे शब्दों को अपने नोट में लिखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।